रावण के भाई कुंभकर्ण से जुड़े अद्भुत रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान। आज हम आपको रावण के भाई कुंभकर्ण से जुड़े हुए ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। इस प्रकार की बातें तो लगभग सभी जानते हैं, किंतु हम यहाँ पर आपको कुछ अलग ही बताने जा रहे हैं जो कि रामायण काल के पात्र कुंभकर्ण से जुड़ी हुई है। जब कुंभकर्ण को हुआ था दुख, जब रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया था, साथ ही राम और रावण के मध्य प्रलयंकारी युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में रावण के अनेक योद्धा मारे गए थे। तो रावण ने अपनी सेना के नेतृत्व करने के लिए कुंभकर्ण को जगाया था। जब कुंभकर्ण को जगाया और पूरी बात बताई तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि अरे मूर्ख, तूने तो माँ जगदम्बा का हरण किया है और फिर अब तो अपने कल्याण की इच्छा कर रहा है। किंतु रावण ने अपने अहंकार में आकर के कुंभकर्ण की एक ना सुनी और उसे राम भगवान से युद्ध करने के लिए भेज दिया। कुंभकर्ण इतने बलवान थे, कुंभकर्ण की बल और शक्ति के बारे में बताया जाता है कि कुंभकर्ण इतनी बलवान थे कि पूरे संसार में कोई भी मनुष्य उसे टक्कर नहीं ले सकता था। साथ ही वे 6 महीने के लिए मदिरा पीकर सो जाता था और जब वे उठता था तो तीनों लोकों में उसके कारण हाहाकार मच जाता था। नारद ने कुंभकर्ण को दिया था तत्व ज्ञान। कुंभकर्ण 6 महीने सोया रहता था और जब वह जाता था तो उसका पूरा दिन भोजन करने और अपने परिवार का हाल समाचार पूछने में निकल जाता था। इस प्रकार से कुंभकर्ण रावण के कार्यों से दूरी रहता था। कुंभकर्ण के राक्षस होने के बावजूद उसने कभी अपनी जिंदगी में कोई अधर्म का कार्य नहीं किया था। इसी कारण से देव ऋषि नारद ने कुंभकर्ण को तत्व ज्ञान दिया था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।